आती है, कभी सूरज की याद आती है तो कभी चंदा की याद आती है। और आप लोग को डांस देख करके हमको बॉलीवुड के गोविंदा की सही बात है ना, बोले सच्चे दरबार की कुछ कहना चाहते अब कहें? हाँ एकदम कहें। क्या बात, एक बार तालियां पहले। मतलब मैचिंग मैचिंग पहन के आए हैं माही जी? जी मैचिंग मैचिंग। चलिए ये सौभाग्य है और हो सकता है किसी का दुर्भाग्य भी है। कुछ हमारे भाभी लोग के लिए कह दीजिए, इनके लिए। इनके लिए आपने जो कहा, पर तालियां इनके लिए बजा दीजिए। हम तो इनके लिए इतना ही कहना चाहेंगे, माही जी आपके मौजूदगी में कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे हम यही, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना भैया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार। और हम इतना ही कहना चाहेंगे माही जी, बनाते दीजिए, बनाते दीजिए, बनाते दीजिए, बोल बम। सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ज्योति जी। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो सतयुग का दौर था, ये कलयुग का दौर है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो सतयुग का दौर था, ये कलयुग का दौर है। सतयुग में पत्नी अपने मृत पति को यमराज के पास जिंदा वापस लाती थी और अपने सतीत्व का परचम फहराती थी। अच्छा, कलयुग में कहां लाती है, अब तो खुद यमराज के पास छोड़ने चली जाती है। इसीलिए भैया भाभी को छोड़ के प्रोग्राम करने आ गए। लेकिन एक बात है कि हम एक तरफा बात नहीं करते। अच्छा ठीक है, दो तरफा जी, एक तरफा बात आपके तरह नहीं करते। ये तो पत्नी की बात हो गई। आज के भाई लोग भी, मर्द भी कम नहीं है, ये मर्द भी कम नहीं है। जब पत्नी की आत्मा को यमराज लेकर जाने लगे, पीछे पीछे पति देव भी आने लगे। कि जब यमराज इनकी आत्मा को, पत्नी की आत्मा को जब यमराज लेकर जाने लगे, पीछे पीछे पति देव भी आने लगे। यमराज ने कहा, रुक, देख मरता नीति से मरने वाला तो कुछ भी कर ले, मैं नहीं इसे जिंदा करने वाला। पति बोले, प्रभु आपको भ्रम है कि मैं इसे लेने आया हूँ? अरे इसे जिंदा मत कर देना, मैं तो आपसे ये कहने आया हूँ। बोलिए साचे दरबार की। और बहुत देर से झांसी की रानी कह रही हैं, हम तो इतना जानते हैं कि छोटा सा पाप भी संताप हो सकता है, कि छोटा सा पाप भी संताप हो सकता है। और आन पे आ जाए मर्द तो महाराणा प्रताप हो सकता है। और एक बात क्यों भूल रही हैं आप? कौन सी? आज इन तमाम भक्तों में जोश नजर आता है। अच्छा, आज इन तमाम भक्तों में जोश नजर आता है। अरे इधर झांसी की रानी, इधर महाराणा प्रताप, और पीछे सुभाष चंद्र बोस नजर आता है। बोले सच्चे दरबार की। चलाइए। अरे ये जो इसके पहले एक वीडियो बना, एक बात बोले हैं जी जी जी, कि यमराज के पास मैं चल के गया था, कहीं मेरी पत्नी को जिंदा ना कर दे। मैं चाहूंगा यूट्यूब भैया से, जितने यूट्यूब भैया लोग हैं, इसको जरूर चढ़ाए ताकि भाभी मार बिलना सर याद है। चल चुका है क्या? हाँ आप मार। अच्छा आपने पूरी तैयारी कर रखी है क्या? कैसा अगर मेरे साथ हुआ तो हम बिलना, तब ना बार बार ये बेलना बेलना कर रहे हैं। अभी हमको गाना गाना है, अभी गाना गाना है, अभी वहाँ तक सोच भी नहीं सकते हम। अभी मैं गाना गाऊँ ना? लेकिन आखिर तो उस दौर से गुजरना तो है ही। जब गुजरेंगे तब सोचेंगे। तो बेलने की तैयारी पहले से हो रही। चलिए आइए, भजन की दुनिया में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए, बोले शंकर भगवान की। क्या बात, बोली पार्वती मैया की। देखो ये भजन बहुत मीठा है, ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि सबको पसंद आएगा और मिल करके इस भजन को हम लोग गाएंगे, ठीक है भैया? क्या बात, महादेवा शुभ अच्छा, ये भजन कौन कौन सुना है? ये भजन बस कमी इतने ही लोग, अभी पता एक ही लाइन इसका फेमस था, अभी मैं गाऊंगी तो सब लोग हाँ, लेकिन पूरा गाना सुना करो। सब नादा रखवाला ओ शिव जी, डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला, किनरे कैलाशा तेरा डरा ओ जी, धर्मी तारे ओ शिव जी पपिया दे मार दा, ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी। शंभो आइए, ओम नमः शिवाय, शंभो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
महादेवा तेरा डमरू डम डम बजे, डम डम बजता जाया ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय महादेव। जो बाबा से प्यार करते एक लाइन कहेंगे मेरे साथ, भोले मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना, जिथे भी तू चलना वे भोले मैं तेरे पीछे पीछे चलना, तू जी सकता नहीं सकता नहीं कोई दूसरी विशरदा में रखता नहीं, क्या तेरे सची आए भक्ति थे और नहीं हो मिलना, और पता है क्या बाबा से क्या कहेंगे, क्योंकि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना तू जी सकता नहीं मैं जी सकता नहीं कोई दूसरी विशरदा में रखता नहीं, क्या तेरे मेरा सच्ची आए भक्ति और नहीं हो मिलना, और पता क्या फेमस था इस लाइन का, ओ मेरा भोला है भंडारी करनंदी की सवारी सभुनाथ रे, दत्त कंजूस लोग आइए मेरे साथ, क्या हो मेरा शंकर नाथ रे हो भोलेनाथ रे हो गौरा हो गौरा वांग रगड़ के बोले तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे, क्या बात है बोले बाबा वैद्यनाथ की। अच्छा ये लाइन, अच्छा ये गाना कौन कौन सुना है, ये लाइन कौन कौन सुना है, ऐसे सच्चे मन से हाथ उठाइएगा, अरे पूरा पूरा उठा दो, देखो ऐसे ऐसे हाथ कछुए के होते हैं, ऐसे भिखारी के होते हैं और सच्चे भक्तों के हाथ सीधे, भिखारियों वाले कछुए वाली हरकतें मत करिए, सीधे सीधे उठा लीजिए, क्या हो मेरा